और चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपर फास्ट खबरों के साथ। लोकसभा और राज्यसभा में नीट को लेकर भारी हंगामा। नीट पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। राज्यसभा में बोले सभापति जगदीप धनखड़, कहा आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक गिर जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे, उपनेता वेल में आ जाएंगे। सिंगल मुद्दे पर मायावती ने सपा को घेरा। सपा के हथकंडों से सावधान रहने की सलाह। कहा सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है सपा, इस पार्टी के सभी हथकंडों से सावधान रहे। नीट पेपर लीक पर बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कहा सदन में पहले नीट पर चर्चा हो, संसद से छात्रों तक संदेश जाएगा। नीट परीक्षार्थी घबराए हुए हैं, छात्र देश के भविष्य हैं। नीट पेपर लीक पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, हम चर्चा से भाग नहीं रहे। नीट पर हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष साथ मिलकर काम करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी स्वीकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल सदन को गिरवे रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र एनडीए में खटपट जारी। भाजपा नेता सुदर्शन चौधरी ने अजीत पवार और उनकी पार्टी को बाहर करने की मांग की। एनसीपी कार्यकर्ता ने इस बयान के बाद जताई नाराजगी। हादसे के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उड़ाना। मंत्री राम मोहन नायडू ने किया दौरा, कहा टर्मिनल एक पर हादसा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, एयरपोर्ट का वही हिस्सा गिरा जो 3 महीने पहले बना था। दिल्ली के एसजेवाई एयरपोर्ट पर आज सुबह बड़ा हादसा। टर्मिनल एक के छत का हिस्सा गिरने से एक की मौत, 8 लोग घायल। केंद्रीय मंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली में जलभराव और बारिश से बिगड़े हालात मुद्दे को लेकर आप सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक। मेयर शेली ओब्रॉय का बयान, कहा पिछली बार के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी दिल्ली दौरे पर, जहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। जलदाय मंत्री ने राजस्थान में हरियाली, लेपर्ड सेंचुरी और टूरिज्म को लेकर की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दिल्ली दौरे पर, जहां उन्होंने संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की शिष्टाचार भेंट। देवनानी ने विश्व गुरु भारत की पुस्तक भेंट की। देवनानी ने ओम बिरला को स्पीकर बनने की दी शुभकामनाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुरेंद्र नगर के सरोदी गांव में प्राथमिक विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव में शिरकत की, जहां कंप्यूटर लैब में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में दिखी नाराजगी। ट्रंप और बाइडेन ने नहीं मिलाया हाथ। डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा, हमारे पास नेता होता यूक्रेन युद्ध नहीं होता। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से 100 गांवों का संपर्क टूटा। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। किसान अपनी फसल मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बिहार में 10 दिन में निर्माणाधीन चौथा पुल गिरा। किशनगंज में पुल धंसने से आवाजाही ठप। मोतीहारी अरिया सिवान में भी गिर चुके पुल। जम्मू से कश्मीर के लिए सुरक्षा काफिले के साथ अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। दिल्ली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश के कारण यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो पर एंट्री और एग्जिट बंद हो गई है। दिल्ली मेट्रो की अन्य सभी लाइनों पर सामान्य सेवा। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। कोलाबा और मरीन ड्राइव, महालक्ष्मी और वर्ली में तेज बारिश। मुंबई में अगले 3 घंटे बारिश का अलर्ट। दिल्ली के बर्गर किंग में मर्डर मामले में स्पेशल सेल ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुई थी फायरिंग। 2 लोगों ने बर्गर किंग में घुसकर की थी फायरिंग। पेरू में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। भूकंप के बाद पेरू तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई। आतिकीपास जिले से 8.8 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र। कर्नाटक के हावेरी में भीषण सड़क हादसा। बड़गी में रोड पर खड़े वाहन में टकराई गाड़ी, 13 की मौत। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ रोड एक्सीडेंट। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को चटाई धूल। 68 रन से बड़ी जीत दर्ज कर भारत ने फाइनल में दी दस्तक। अब कल रात को 8 बजे से बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका से फाइनल भिड़ंत।
अनंत राधिका के वेडिंग कार्ड में चांदी का मंदिर, अंदर सोने की मूर्ति और हैंड रिटन लेटर। 12 जुलाई को मुंबई में होगी शादी। झालावाड़ से जुड़े नीट परीक्षा के तार, मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट को पूछताछ के लिए सीबीआई ने उठाया 8 विद्यार्थियों की जमानत पर छोड़ा, 2 छात्र मुंबई पुलिस की कस्टडी में। राजस्थान के युवक का चीन में अपहरण कर हत्या, किडनैपर ने मांगे 1 करोड़ रुपए, सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। न्यू सांगाने रोड पर चिड़ी का एक्शन, मंगल फार्म से शुरू हुई तीसरे दिन की कार्रवाई, न्यू सांगाने रोड रेलवे ओवरब्रिज तक होगी कार्रवाई। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में आगे बढ़ा मॉनसून, कई जिलों में जोरदार बारिश, अगले 2 दिन में पूरे राज्य को करेगा कवर। भीलवाड़ा में मानसून की हुई पहली बारिश, बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, वहीं बारिश से किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। राजसमंद जिले में मॉनसून की एंट्री धमाकेदार हुई, बारिश के दौरान कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं एक जगह बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ, कई घरों में बिजली के उपकरण और ट्रांसफार्मर उड़ गए। झालावाड़ जिले के चुमहला में स्थित रेलवे अंडरपास में पहली बारिश में ही पानी भर गया जिससे लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, पानी के बीच एक बोलेरो गाड़ी फंस गई जिसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 30 जून को गृहनगर जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, शेखावत के दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली है, केंद्रीय मंत्री शेखावत के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। बीकानेर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। राजसमंद के दिवेर थाना पुलिस ने बोलेरो कार चोरी का खुलासा किया, पुलिस ने इस मामले में शातिर बदमाश विजय सिंह को किया गिरफ्तार और चोरी की बोलेरो बरामद की, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया। अलवर में 16 फरवरी को बगट तिराहे के पास दुर्घटना में युवक घायल हो गया जिसका पहला जयपुर में इलाज चला और उसके बाद अलवर में मौत हो गई, परिजन युवक को लेकर अलवर के सामान्य अस्पताल में पहुंचे जहां युवक को मृत घोषित किया गया। जयपुर में जिला स्तरीय विकास लक्ष्य क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई, कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम अलका विष्णोई की अध्यक्षता में बैठक हुई, बैठक में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। भरतपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री शर्मा वर्चुअली जुड़े, जिले के 3,550 लाभार्थियों के खाते में 35,27,14,700 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। बस्ती में जिला रसद अधिकारी ने किया उचित मूल्य दुकानों को औचक निरीक्षण, डीएसओ ने कम ई केवाईसी करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 30 जून तक ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में तीसरी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रसार शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रसार गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डूंगरपुर में बिजली निगम कार्मिकों ने एसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन, एसी को ऊर्जा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा, पुरानी पेंशन लागू करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। डूंगरपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को मिली बढ़ी हुई पेंशन, इस दौरान सीएम वर्चुअली लाभार्थियों से जुड़े जिसमें जिले के 1,99,309 लाभार्थियों के खाते में पहुंची 45,84,10,700 की राशि। डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की, पुलिस ने फरार चल रहे 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में जुटी है। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन ने ऑटो को भारी टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, वहीं मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म करौली दौरे पर, उन्होंने मुख्यमंत्री पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, सपोटरा के बुकना पहुंचकर विद्युत हाईटेंशन लाइन हादसे की पीड़ितों को ढांढस बंधाया, साथ ही परिजनों को विद्युत निगम की ओर से 5 लाख का चेक और जनप्रतिनिधियों की ओर से 3.5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। बूंदी के केशवराय पाटन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है, मेगा हाईवे पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी दुकानों पर पीला पंजा चलेगा। अजमेर के प्रसांगण में जिला कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल, ग्रामीणों ने पानी बिजली सहित अन्य समस्याओं से करवाया अवगत, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के दिए निर्देश।
सलूंबर सहित आसपास के इलाकों में तीन दिन से लगातार बारिश का दौर जारी, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। किसानों ने बुआई शुरू कर दी, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। घाटोल में 13 जुलाई को होगी लोक अदालत, जिसके संबंध में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश कौशल सिंह ने तालुका विधिक सेवा समिति की बैठक ली। बैठक में ज्यादा से ज्यादा लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले में 2 दिन से बारिश का दौर जारी, गुड़ागोची, बसाओ, बलानी, नवलगढ़ क्षेत्र में हवा के साथ तेज बारिश हुई, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं किसान खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं।